दोस्तों, क्या आपके जियो के कीपैड फोन में ओमनी एसडी इंस्टॉल है? लेकिन ये ओमनी एसडी वर्क नहीं कर रहा। तो ये किस लिए वर्क नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा, इसको ठीक कैसे करेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। मैं हिमेश अपने चैनल टेक लाइफ इन दी वर्ल्ड पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जियो का कीपैड फोन है F220B, यहां पर ओमनी एसडी इंस्टॉल है। इसको ओके करते ही इंस्टॉलेशन का सामने प्रोसेस दिखा रहा है। एक एप्लीकेशन यहाँ फेसबुक है जो कि सिलेक्टेड है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर प्रेस करते हैं। बीच में प्रेस हम कर रहे हैं लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम हमारी ओमनी एसडी का है। तो ये किस लिए वर्क नहीं कर रहा, आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं इसका वर्क न करने का कारण क्या है, कि हमारा जो ये, मैं यहां चेक करा दूं सेटिंग में आके, हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, मैं इसको पहले चेक करा देता हूं आपको। तो हम सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आकर हमें आना है यहां पर डिवाइस, डिवाइस में आना है डिवाइस इन्फॉर्मेशन, और यहां इन्फॉर्मेशन में आइए मोर इन्फॉर्मेशन, और मोर इन्फॉर्मेशन में आप जैसा कि देख रहे हैं इसका वर्जन हमें चेक करना है। तो आप देख रहे होंगे बिल्ट नंबर से पता चल रहा है लास्ट में 5051119, यानी ये 5 नवंबर 2019 का सॉफ्टवेयर इसमें पड़ा हुआ है। ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये मॉडल है F220B का, जो हमारा जियो का कीपैड फोन है, इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमारा ओमनी एसडी वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए हमें अपने इस फर्मवेयर को, जो इसका सॉफ्टवेयर है, कंपनी ने जो इसका फैक्ट्री सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसको हमें डाउनग्रेड करना पड़ेगा। डाउनग्रेड करने के लिए हम अपने मोबाइल का बैक कवर ओपन कर लेते हैं, बैटरी को रिमूव करके पुनः लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ डाटा केबल हम इन करा देंगे, इसमें इंसर्ट करा देंगे। डाटा केबल अपने मोबाइल में इंसर्ट करा के स्टार बटन या हैश बटन, एक बटन को प्रेस करते हुए हम अपने डाटा केबल को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कराएंगे। यहां पर डिवाइस हमारा डिटेक्ट हो गया है, क्वालकॉम HS-USB QD लोडर 9008 दिखा रहा है। यहां लोड कंटेंट पर हम जाएंगे और हम अपना ओल्ड वर्जन का, यहां पर फाइल हमारा 11/1/19, इसके पहले का जो था वो नवंबर 19 का था, यहाँ जनवरी 19 का 2019 का ये सॉफ्टवेयर है, वो 5/11/19 का था। यहाँ कंटेंट को हम सेलेक्ट करके और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, हमारा फ्लैशिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। ये देखिए हमारा डाउनलोड सक्सेस हो गया, मींस हमारा जो ये जियो का कीपैड फोन है हमारा डाउनग्रेड हो चुका है। अब डाउनग्रेड होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसी समय इसमें रिकवरी फाइल भी फ्लैश कर लेंगे। तो रिकवरी फाइल फ्लैश करने के लिए हमें रिकवरी फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे फ्लैट बिल्ट, यहां पर हम ब्राउज कर लेंगे रिकवरी को। तो यहां पर हम रिकवरी पर आ गए और रिकवरी फाइल को फ्लैश करके और इसको हम पुनः बैटरी रिमूव करके अपने मोबाइल का रिमूव करके फिर से लगाएंगे। लगाकर स्टार बटन प्रेस करते हुए और अपने इस डाटा केबल को कंप्यूटर में इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट कराते ही सामने आप देखिए हमारा ये मोबाइल डिटेक्ट हो गया है, और यहां पर हम सिंपली हमें क्लिक कर देना है डाउनलोड। यहां पर डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिया और बहुत जल्दी हमारा रिकवरी का फाइल फ्लैश हो जाएगा, बहुत ही जल्दी, क्योंकि छोटी सी फाइल है। ये फ्लैशिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हम इसको ऑन करते हैं, लेकिन रिकवरी मोड में हमें जाना था। स्टार बटन प्रेस करते हुए हम पावर बटन को ऑन करेंगे, प्रेस करते ही हम आ जाएंगे रिकवरी मोड। ये देखिए हमने रिलीज कर दिया, अब हम आ जाएंगे रिकवरी मोड। ये देखिए यहां पर रिकवरी मोड हमारा एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है, जिसके जरिए से हम कोई भी अब यहां पर जिप फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। हमें ओमनी एसडी को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए एक बार हमें वाइप एंड फॉर्मेट ऑप्शन आके सेलेक्ट करना है, फैक्ट्री रीसेट कर देना है, यस करके थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद ये देखिए प्रेस एनी की, हमारा ये फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब हमें आ जाना है बैक। बैक आने के बाद हम फिर से इसमें इंस्टॉल जिप वाले सेकंड ऑप्शन पर आ जाएंगे और हमें इंस्टॉल करना है
ओमनी एसडी, तो यहां से हम चूज जिप फाइल फ्रॉम एसडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे और हमने इसको डाउनलोड फोल्डर में रखा हुआ है, यहां पर ये हमारा ओमनी एसडी का जिप फाइल है। ओके करेंगे, यस कर देंगे और हमारा ओमनी एसडी यहां पर इंस्टॉल होने लगा है। ये दोस्तों आप कंपनी द्वारा दिए हुए रिकवरी मोड से इसको फ्लैशिंग करना चाहेंगे तो ये फ्लैशिंग नहीं होगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। आपको फ्लैशिंग करना है कस्टम रिकवरी से जो मैंने यहां पर इंस्टॉल करके दिखाया। इसको अब हम रिबूट कर देंगे, अपने मोबाइल को रिबूट कर देते हैं। यहाँ अप्लाई रूट के लिए कह रहा है, यस कर देंगे और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, हमारा पूरी तरीके से मोबाइल रिबूट हो जाए, रिबूट होकर ऑन हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट है। यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन का पूछेगा, यहाँ इंग्लिश करके हमें ओके कर देना है और लाइसेंस को एग्री एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके वो कर देंगे। तो हमारा ये देखिए यहाँ पर फोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है, डाउनग्रेड पर हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारा ओमनी एसडी इंस्टॉल हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, लेकिन ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है भी मैं चेक कराऊंगा। उसके पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हमारा फोन जो है डाउनग्रेड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम डिवाइस इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं, सेटिंग में आके मॉडल है अब 220B, मोर इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम बिल्ट नंबर पर, यहाँ देखिए 11/01/19 लास्ट में दिखा रहा है, इसके पहले आपका 05/11/19 5 नवंबर 19 था, लेकिन ये ओल्ड वर्जन हमारा 11 जनवरी 19 का है। पुराना वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल किया है हमने, पुराना यानी मीन्स अपने हमने जियो के कीपैड फोन को डाउनग्रेड कर दिया है। अब डाउनग्रेड करने के बाद हमने यहाँ ओमनी एसडी को रिकवरी मोड के थ्रू इंस्टॉल किया। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर हमने ओमनी एसडी ओपन किया। तो चूंकि हमने जो फ्लैशिंग किया, फ्लैशिंग के प्रोसेस में सारा का सारा हमारा इंटरनल इरेज हो गया है, इसलिए हम पहले इंटरनल मेमोरी में अपना जो भी सॉफ्टवेयर जिप फाइल, एप्स के जिप फाइल है, उसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने एसडी कार्ड में कुछ जिप ऐप रखे हुए थे, ऐप की जिप फाइलें रखी हुई थी, उसको हम एसडी कार्ड से कॉपी करके इंटरनल में आ जाते हैं और यहाँ डाउनलोड पर हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसको, तो पेस्ट करने के बाद हम पुनः आ जाएंगे ओमनी एसडी पर और यहाँ पर हम ओमनी एसडी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर हमारी सारी की सारी जितने भी ऐप की जिप फाइलें सब दिखा दे रहा है। तो हम सबसे लास्ट में देखिए गूगल ड्राइव है, इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे हमने इंस्टॉलेशन किया, हमारा गूगल ड्राइव का डाउनलोड कंप्लीट करके दिखा रहा है, लेकिन हमारा सॉफ्ट ऐप जो है ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। इसके बाद हम जेजी हॉटस्पॉट को यहां से इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए ये भी कह रहा है हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेस। और इसके बाद हम टिकटॉक पर आ जाते हैं, इसको भी इंस्टॉल करते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेस। तो इस प्रकार ये देखिए ओमनी एसडी हमारा प्रॉपरली यहाँ वर्क किया। और यहाँ हम दिखा भी देते हैं आपको कि टिकटॉक, जेजी हॉटस्पॉट, गूगल ड्राइव सारे ऐप हमारे पे आ चुके हैं और प्रॉपरली हमारा एक काम कर रहा है। यदि हम कोई भी ऐप ऑन करते हैं, जैसे जेजी हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं, तो ये देखिए हमारा ये ऑन हुआ और सबसे टॉप पर आप देखिए यहाँ पर हमारा हॉटस्पॉट का सिंबल भी बनकर आ गया है। तो ये प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम है, हमें कमेंट अवश्य करिए। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं पुनः आऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।